हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे सिंपली डायरेक्शन जो है ना, करंट का डायरेक्शन जो होती है वो किस तरह से होती है। देखो, ये है पॉजिटिव एक स्फीयर है, ओके। और ये जो है इस पर क्यू क्या है, जीरो है। इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये समझिए कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है इसके तुलना में, है ना भाई। इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो जब इसको हम एक मेटल वायर से जोड़ेंगे, कौन सा वायर है, मेटल वायर से, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये क्या जा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन, समझा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्लियर। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को सर्च कर रहे हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती किधर है, कैसे होती है डायरेक्शन, उसकी किधर से किधर होनी चाहिए। तो देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर चार्ज कितना है, जीरो है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला में से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई देते हैं, इधर जा रहा है। इसमें देखो, इसमें जो है ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है, ये कौन है, पॉजिटिव है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होती है, तो ये निगेटिव पार्ट ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। जैसे ही इसमें मेटल वायर जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, इधर होगा, क्लियर है बात, ओके। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, ध्यान देना, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसमें पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, समझा। पोटेंशियल क्या होगी भाई, कम होगी, पहली बात ये होगी, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है इस तरह से, फिर ये है ऐसे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, चार्ज जीरो है। तो ये हो गया आपका लो पोटेंशियल, ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल, समझ में आ रहे हैं। अब इसको मेटल वायर से जोड़ो, मेटल वायर से जोड़ दिए, तो मेटल वायर से जोड़े तो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, समझ में आया। अब करंट किधर जा रही है, इसके उल्टा में जाएगी। करंट कहाँ जाएगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट बहता है, है ना। करंट का कैसे फ्लो होता है भाई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आपको ये पता चल गया कि करंट का, है ना, मूवमेंट कैसा होता है। तो करंट फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल दैट इज, ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, उसके क्या होता है, अपोजिट में होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पर एक ऐसे है, ओके। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ओके। यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्यू जीरो है, यहाँ पर क्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पहली बात की हाई पोटेंशियल पर कौन हुआ, ये हुआ, लो पोटेंशियल पर कौन हुआ, ये हुआ। इसको हम मेटल जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इधर होगा। करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। करंट की डायरेक्शन इधर होगी, करंट की डायरेक्शन होगी हाई से लो, समझ रहे हैं। ये कॉमन सी बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।